तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू डियर टेक्निकल ज्ञान। हम लोग आईसी सीरीज को कंटिन्यू डिस्कशन में कर रहे थे, तो आज भी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि आप लोग काफी दिनों से ये चैनल देख रहे हैं, तो जिनको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, वो भी अपना चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपना चैनल आगे बढ़ते रहे। और डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल टू एवरीबॉडी, और सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ये है इम्प्यूरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस, दैट इज Q3A R2। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्यूरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस का प्रीएम्बल क्या है। दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑन द कॉन्टेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाई द केमिकल सिंथेसिस एंड दिस इज नॉट प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन अ रीजियन और मेंबर स्टेट। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया गया है ताकि एक हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करे कि हम लोग अगर एक ड्रग सब्सटेंस का इम्प्यूरिटी के बारे में डिस्कशन करना चाहे तो एक ड्रग सब्सटेंस में कितना इम्प्यूरिटी होना चाहिए, और अगर उस ड्रग सब्सटेंस को हम लोग क्वालिफिकेशन करने के लिए सोचेंगे तो कितना इम्प्यूरिटी इस लेवल तक हम लोग उसको अलाउ कर सकते हैं, उसका क्वालिफिकेशन करने के लिए कितना उस ड्रग सब्सटेंस में केमिकल सिंथेसिस के दौरान इम्प्यूरिटी जेनरेट हो सकता है, उसका एक गाइडेंस इस डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड किया गया है। फॉलोइंग टाइप ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस आर नॉट कवर्ड इन द गाइडलाइन, दैट इज बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, पेप्टाइड, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, रेडियो फार्मास्यूटिकल, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स एंड सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम हर्बल प्रोडक्ट्स एंड क्रूड प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑरिजिन्स। तो ये सब जहाँ पे ये प्रोडक्ट एप्लीकेबल है उसके लिए ये गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इम्प्यूरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस आर एड्रेस्ड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। तो दो पर्सपेक्टिव में हम लोग इम्प्यूरिटी इन न्यू ड्रग सब्सटेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। एक तो है कि केमिस्ट्री एस्पेक्ट्स इंक्लूड द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, रिपोर्ट जेनरेशन, लिस्टिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज इन स्पेसिफिकेशन एंड अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीड्योर। दूसरा जो है सेफ्टी एस्पेक्ट्स। सेफ्टी एस्पेक्ट्स इंक्लूड अ स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर क्वालिफाइंग दोज इम्प्यूरिटीज that were not present or waste present or were present at substantially lower level in the batches of a new drug substance used in the safety and clinical studies। अभी impurities को अगर हम लोग classify करते हैं तो हम लोगों को तीन तरह का impurity देखा जाता है। एक जो है organic impurity, दैट इज प्रोसेस और ड्रग रिलेटेड। दूसरा है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। तीसरा है रेसिड्यूअल सॉल्वेंट्स। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज के बारे में। तो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड और स्टोरेज ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस। दे कैन बी आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, विच इंक्लूड्स
स्टार्टिंग मटेरियल्स, बाई प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, रिएजेंट्स, लाइगेंड्स, कैटलिस्ट्स, इतना सब कुछ जो है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज की अंदर में आता है। अभी आगे देखते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या क्या आता है। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कैन रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दे आर नॉर्मली नोन एज आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूड रिएजेंट्स, लाइगेंड्स, कैटलिस्ट्स, हेवी मेटल्स एंड अदर रेसिडुअल मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अदर मटेरियल्स लाइक फिल्टर एड्स, चारकोल्स एटसेट्रा। अभी चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी लेवल्स कैन बी मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि इंक्लूडिंग दोज दैट कंपेयर एन एनालिटिकल रिस्पॉन्स ऑफ एन इम्प्यूरिटी टू दैट ऑफ एन एप्रोप्रिएट रेफरेंस स्टैंडर्ड और टू द रिस्पॉन्स ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस इटसेल्फ। मतलब ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी एक ड्रग सब्सटेंस में कितना रहेंगे उसको नापने के लिए, उसको चेक करने के लिए तरीका क्या क्या है। एक जो है कि आप एक एप्रोप्रिएट रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कर सकते हो, और रिस्पॉन्स ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस इटसेल्फ, जो न्यू ड्रग सब्सटेंस है उसका कितना रिस्पॉन्स है वो भी आप देख सकते हो। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स used in the analytical procedure for control of impurities should be evaluated and categorized according to their intended uses. Analytical results should be provided in the applications of all batches of the new drug substance used for the clinical safety and stability testings, as well as for batches representatives of the proposed commercial process. Quantitative results should be presented numerically and not in the general terms such as complies or meet the limit, etc. Below 1% of the results should be reported in two decimal process. जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहे, अगर आपका इम्प्यूरिटी 1% के नीचे है तो आपको रिपोर्टिंग 2 decimal में करना पड़ेगा, जैसे कि 0.06% और 0.13% एटसेट्रा। एट एंड अबव ऑफ द 1% रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन 1 decimal प्लेसेस। अगर आपका रिजल्ट 1% या फिर उसका ज्यादा है तो आपको रिपोर्टिंग जो है वो 1 decimal में करना पड़ेगा, जैसे कि 1.3%। इम्प्यूरिटीज जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स होगा, मतलब एक वैल्यू होगा, ये कभी भी आप जनरल टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि कॉम्प्लाइज, मीट द लिमिट, ये सब आप रिपोर्टिंग कर नहीं पाएंगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, फॉर ईच बैच ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस द रिपोर्ट शुड इंक्लूड, अगर एक नया ड्रग सब्सटेंस का कोई बैच का आप इवेल्युएट करना चाहते हो इम्प्यूरिटी प्रोफाइल, देन आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करना पड़ेगा, वो है कि द बैच आइडेंटिटी एंड साइज, मतलब कितना बैच का आइडेंटिटी है, बैच का कुछ बैच नंबर तो होगा ना, बैच का बैच साइज कितना है, तो वो डिटेल्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, मतलब कब बैच बना, साइट ऑफ मैन्युफैक्चरर, कौन सा साइट में बैच मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कहां पे हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंप्यूरिटी कॉन्टेंट, इंडिविजुअल एंड टोटल दोनों ही,
यूज ऑफ बैचेस, रेफरेंस टू द एनालिटिकल प्रोसीड्योर यूज्ड, इतना जो है आपको एक न्यू ड्रग सब्सटेंस का बैचेस में इंक्लूड करना चाहिए। आगे चलते हैं, इंडिविजुअल इंप्यूरिटीज विथ स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशन फॉर द न्यू ड्रग सब्सटेंस आर रेफर टू द स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज इन दिस गाइडलाइन। स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड, तो मतलब क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल इंप्यूरिटी जिसका एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, ठीक है, तो एक नया ड्रग सब्सटेंस में एक कोई सा भी एक इंडिविजुअल इंप्यूरिटी उसी को बोलेंगे जिसका एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज। इस गाइडलाइन में हम लोग उस इंडिविजुअल इंप्यूरिटीज को स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज बोल के आगे से एक्सप्लेन करेंगे। स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज मतलब उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक स्पेसिफिक फिक्स्ड है और उसके लिए बोल रहे कि वो अपना वो आइडेंटिफाइड भी हो सकता है, वो अनआइडेंटिफाइड भी हो सकता है। अ रैशनल फॉर द इंक्लूशन और एक्सक्लूशन ऑफ इंप्यूरिटीज इन द स्पेसिफिकेशन शुड बी प्रेजेंटेड। अगर आपका स्पेसिफिकेशन में आप कोई इंडिविजुअल को इंक्लूड करते हो या फिर आपका स्पेसिफिकेशन से कोई इंप्यूरिटीज को एक्सक्लूड कर देते हो तो उसका रैशनल आपका स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड होना पड़ेगा। दिस रैशनल शुड इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ इंप्यूरिटी प्रोफाइल ऑब्जर्व्ड इन द सेफ्टी एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट बैचेस, मतलब आपको आप जो भी रैशनल आपका स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड करेंगे उसका जो ताल्लुकात रहेगा वो उस पर्टिकुलर सेफ्टी और क्लिनिकल डेवलपमेंट जो बैचेस लिए जाएंगे उसका इंप्यूरिटी प्रोफाइल के साथ होगा एंड टुगेदर विथ अ कंसीडरेशन ऑफ द इंप्यूरिटी प्रोफाइल ऑफ बैचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रपोज्ड कमर्शियल प्रोसेस, मतलब कि और जो भी आप प्रपोज्ड कमर्शियल प्रोसेस से बैच मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें भी जो इंप्यूरिटी प्रोफाइल आपको मिलेंगे उसके साथ इवेल्युएट करके आपको स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड या एक्सक्लूड आपको करना पड़ेगा। तो मतलब दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक जो है कि आप जो सेफ्टी और क्लिनिकल डेवलपमेंट बैचेस लेंगे उसमें जो इंप्यूरिटी प्रोफाइल है उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, दूसरा है कि आप जो प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग बैचेस जो कि ना कमर्शियल बैचेस होंगे उसका इंप्यूरिटी प्रोफाइल को भी इवेल्युएट करके आपको स्पेसिफिकेशन में इंप्यूरिटी प्रोफाइल इंक्लूड या एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अभी चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी में बोल रहे ईच स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड इंप्यूरिटी, ईच स्पेसिफाइड unidentified impurity, any unidentified impurity with an acceptance criteria not more than the identified threshold, total impurities, उसमें आ रहा है residual solvent, inorganic impurities। अभी देख लेते हैं एक attachment दिया है, attachment में बोल रहे threshold, थ्रेशोल्ड के बारे में बोल रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम डेली डोज, इसमें मैक्सिमम डेली डोज में दो चीजें हैं, एक जो है कि लेस देन इज इक्वल टू 2 ग्राम पर डे, दूसरा है कि ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डे। अगर आपका मैक्सिमम डेली डोज 2 ग्राम पर डे से कम या फिर इक्वल है तो आपका रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड होगा 0.05%। आपका आइडेंटिफाइड थ्रेशोल्ड कितना होगा, बोल रहे आपका आइडेंटिफाइड थ्रेशोल्ड होगा 0.1% और 1 mg per day इंटेक विच एवर इज लोअर, मतलब जो कम होगा, इधर आपका 0.1% हो सकता है और नहीं तो 1 mg per day इंटेक की सबसे हो सकता है, मगर जो कम होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड। अभी क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड देखते हैं,
क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड कितना होगा, 0.15% और 1 मिलीग्राम पर डे इंटेक, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, मगर यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज किया है, 0.15% किया है क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड में। अगर आपका डेली डोज 2 ग्राम पर डे है तो आपका रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड होगा 0.03%, आपका आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड होगा 0.05% और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड भी होगा 0.05%। अभी एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, ये बोल रहे कि डिसीशन ट्री, तो डिसीशन ट्री ये दिस वन इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अगर आपको कोई एक इंप्यूरिटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको एक डिसीशन ट्री जो आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, बोल रहे इज द इंप्यूरिटी ग्रेटर देन द आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड। इंप्यूरिटी के आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, जैसे अभी ऊपर में चलिए दोबारा देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए आप लोगों को, ये रहा आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड। तो क्या इंप्यूरिटी आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है? सबसे पहले प्रश्न आया कि आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से इंप्यूरिटी क्या ज्यादा है? दो आंसर आया, एक है कि हाँ, दूसरा है कि ना। अगर पहला आंसर है कि ना, तो कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंप्यूरिटी जो है वो आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से कम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आंसर आया हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इंप्यूरिटी क्या है। स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया, यस, तो अगर यस है तो एनी नॉन ह्यूमन रिलीवेंट रिस्क, मतलब वो स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई किया, जो इंप्यूरिटी आपने आइडेंटिफाई किया, वो स्ट्रक्चर किया कोई भी ह्यूमन रिलेटेड रिस्क के साथ जुड़ा हुआ है क्या, मतलब वो इंप्यूरिटी हम लोगों के ह्यूमन के लिए कितना हानिकारक है, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर आपने किया यस, वो दैट इंप्यूरिटी इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल ह्यूमन रिस्क, देन रिड्यूस टू द सेफ लेवल, तो उस इंप्यूरिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। और कैसे रिड्यूस करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से नीचे लेके जाना पड़ेगा, जो मतलब पहले उस जगह पे फिर पहुंच जाएंगे ऊपर वाला शुरुआती टाइम पे, कि नीचे होगा तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी इसका सेकेंड आंसर हो सकता है नो, कि ह्यूमन के लिए पोटेंशियल रिस्क नहीं बनेगा, तो नो की बात क्वेश्चन आया ग्रेटर देन द क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड, तो क्या वो क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है? अभी देखिए, आपको अगर रिमेम्बरेंस होगा तो आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड में बोल रहा था 0.1%, नहीं तो दूसरा है 1 मिलीग्राम पर डे। तो अभी क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, वही चेंज होके 0.15% इंक्रीज हुआ था, तो अभी बोल रहे कि वो आपका आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा है, हम लोगों ने बोल ही दिया है शुरुआती ट्री में, क्या वो क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा है? अगर हां है तो आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस टू नॉट मोर देन द क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड, क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से आपको नीचे लेके आना है उसको। अगर आपका वो क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से नीचे है तो कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आपने रिड्यूस किया कि नहीं, अगर आपने रिड्यूस किया यस, देन नो फर्दर एक्शन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने रिड्यूस नहीं कर पाए उसको क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड से, अगर आपका इंप्यूरिटी कंटेंट अगर रिड्यूस्ड नहीं है, तो कंसीडर द पेशेंट पॉपुलेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द यूज एंड कंसीडर कंडक्टिंग जेनिटोटॉक्सिसिटी स्टडीज, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबरेशंस, जेनरल टॉक्सिसिटी स्टडीज, दैट इज वन स्पीसीज यूजुअली 14 to 90 days एंड अदर स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी एंड पॉइंट्स। ये सब जो है अभी जो बोल रहे हैं कि टॉक्सिसिटी के ऊपर आपको अलग अलग स्टडीज करना पड़ेगा, जैसे कि जेनिटोटॉक्सिसिटी स्टडीज करना पड़ेगा, जेनरल टॉक्सिसिटी स्टडीज करना पड़ेगा, अदर स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी स्टडीज करना पड़ेगा।
स्टडी किया, करने की बात है, जैसे क्लिनिकल स्टडीज हुआ, एनी क्लिनिकली रिलीवेंट एडवर्स इफेक्ट, अगर स्टडी करने के बाद कोई क्लिनिकल एडवर्स इफेक्ट मिला क्या, अगर मिला यस देन रिड्यूस टू द सेफ लेवल, अगर कोई क्लिनिकल स्टडी करने के बाद भी कोई ऐसा रिलीवेंट एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं। एक जगह पे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं किया, यस पे हम लोग गए थे और आगे इतना ट्री कवर किया, अभी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नो अगर होगा रिड्यूस टू नॉट मोर देन द आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड, तो आपको आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से उसको नीचे लेके आना है। ओके, आपने आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से नीचे लेके आया, नो प्रॉब्लम, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से नीचे लेके नहीं आ सकते तो आपको फिर से सेम जगह पे चला जाएगा, दैट मींस आपको अलग अलग टॉक्सिसिटी स्टडीज फिर से दोहराना पड़ेगा और फिर से ये ट्री कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था अपना जो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ट्री ऑफ इंप्यूरिटीज। तो आज का जो डिस्कशन यहीं तक था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आप लोगों को और क्या क्या नया नया टॉपिक्स चाहिए, अभी तो हम लोग आईसीएच सीरीज के ऊपर वीडियो बना रहे, तो और कौन कौन सा ऐसा सीरीज आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को रिक्वायर्ड है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कैसे वीडियो लग रहे, अच्छा लग रहे तो इसको शेयर जरूर करिए दोस्तों में। चलिए, थैंक यू, बाय।